कोरिया के चारपारा गांव स्थित तालाब में विगत 15 दिन से दिखने वाला सांप इस क्षेत्र के लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। लोग ने न सिर्फ उसे छू रहे हैं बल्कि उसकी पूजा भी कर रहे हैं। वही जब वन विभाग की टीम को इस बारे में पता चला तो वहां सांप को रेस्क्यू करने के लिए जंगल पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने सांप को रेस्क्यू नहीं करने दिया, जिसके बाद टीम को निराश होकर लौटना पड़ा। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। मैं आपको बता देता हूं, जैसे हम लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि चारपारा में दो नाग निकले हुए हैं और लोग वहां घिरे हुए हैं और नाग की सुरक्षा की दृष्टि से उसे आप लोग जंगल में जा करके पंचनामा बना के छोड़ आइए करके। जैसे हम लोग वहां पहुंचे तो वहां काफ़ी संख्या में भीड़, पूरा गाँव वाले अगल बगल के लोग काफ़ी भीड़ लगाए हुए थे। मेरे द्वारा निवेदन किया गया कि इस सांप को जो हम लोग पकड़ने आए हैं और इसको सुरक्षित अपन जंगल में ले जा कर छोड़ेंगे, और गाँव वाले वहाँ विरोध करने लगे कि जो हमारा आस्था का विषय है और यहाँ जो है मतलब ये नाग देवता है, इसको हम लोग नहीं ले जाने देंगे और इसका हम पूजा पाठ करेंगे, इसका समिति बना करके देखभाल करेंगे।